हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लगभग हर हिंदू घर में आपको ये पौधा लगा हुआ जरूर दिख जाएगा। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसे घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर तुलसी के पौधे के अलावा तुलसी की जड़ का इस्तेमाल आप जानेंगे, जो कि बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही लाभकारी भी होता है, तो यकीन मानिए आप ये इस्तेमाल और इसके उपयोग को किए बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य जो है ना कई सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले करनी है आपसे एक ज़रूरी बात, यदि अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नीतूज होम किचन पे आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे टिप्स और रेसिपीज जो आपके जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आएंगे, आपके समय को बचाएंगी और इसके साथ ही बहुत ही जायकेदार रेसिपीज आपको मिलने वाली हैं। तो आइए अब आगे हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लगातार किसी काम में बार बार असफलता प्राप्त हो रही हो और असफलता का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर उसे गंगा जल से धोकर इसकी विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से लाभ तुरंत ही प्राप्त होता है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है और वो इससे परेशान है, तो ऐसे में तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर या फिर किसी ताबीज में डालकर अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से जल्द ही ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे और धन से जुड़ी हुई दिक्कतें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं और धन प्राप्ति करने के मार्ग में बाधा आती है, तो ऐसे में व्यक्ति को सुबह तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, शाम को दीपक लगाना चाहिए और इसके अलावा तुलसी की जड़ को ताबीज में डालकर गले में पहनना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।